अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आप जम्मू के भगवती नगर पहुंचेंगे। जम्मू भगवती नगर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू भगवती नगर में यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा संपूर्ण की जाती हैं। भगवती नगर में आप निःशुल्क रुक सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए भोजनालय की व्यवस्थाएं भी निःशुल्क की जाती हैं। भगवती नगर से पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए गाड़ी मिलती है। यहाँ पर आप सबको बता दें, प्रशासन की तैयारियां श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु के लिए संपूर्ण की जाती हैं। यहां से आपको किसी और बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन की ओर नहीं जाना है। आपको भगवती नगर में रुकने के बाद शाम को अपनी बस की टिकट पहलगांव या फिर बालटाल बेस कैंप के लिए करनी है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के 2 रूट है, पहला पहलगांव और दूसरा बालटाल। दोनों रूट से यात्रा की जाती है और बालटाल रूट जो है वो शॉर्टकट रूट है। पहलगाम की बात करें हम, पारंपरिक रास्ता है और बड़ा रास्ता है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए इस वीडियो की मदद से संपूर्ण जानकारी के साथ साथ काफी बड़ी जानकारी होने वाली है। आप सभी को इस वीडियो की मदद से बताने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा में कितना खर्चा आता है, कितने दिन लगते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से अमरनाथ गुफा के दर्शन करें, दर्शनों के बाद हम किस तरह से घर तक पहुंच सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आप सभी के लिए इस पर डेली अपडेट्स भी हम लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा पर कैसे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आप सभी को सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक ब्रांचेस या फिर अपने जिला हॉस्पिटल में जाना होता है, यानी कि जिन शाखाओं की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपडेट की जाती है। वेबसाइट का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां पर आप सभी के लिए जिन डॉक्टर्स की और जिन बैंक ब्रांचेस में रजिस्ट्रेशन के लिए सूची जारी की जाती है, उन्हीं में आपको अपना पंजीकरण और मेडिकल करवाना होता है। पहले आपका मेडिकल होता है और इसके बाद आपका पंजीकरण होता है। आपको बताते चलें कि मेडिकल के दौरान आप सभी के लिए आस्था के जैसे रोग, साथ ही साथ आपका ऑर्थो टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, साथ ही साथ आपका ब्लड टेस्ट भी लिया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए पहले आपका स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है कि आप अमरनाथ यात्रा आने के काबिल है या फिर नहीं। आपका पंजीकरण होने के बाद आप सीधा जम्मू भगवती नगर पहुंचेंगे। जम्मू भगवती नगर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू भगवती नगर में आप सभी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि रुकने के लिए खान पीन की टॉयलेट व्यवस्थाएं संपूर्ण यहां पर की जाती हैं। साथ ही साथ बालटाल और पहलगांव बेस कैंप तक जाने की गाड़ियों की व्यवस्था आप सभी को यहीं से मिल जाती है। बस ये करना है कि जिस दिन आप पहुंचेंगे उससे आपको शाम को ही अपनी बस की टिकट पहलगांव या फिर बालटाल बेस कैंप के लिए करवानी है। आपको बता दें चले कि अमरनाथ यात्रा के जो 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स के अलग अलग परमिट जारी किए जाते हैं, इसीलिए यात्रा पर आने से पहले ये ध्यान रखें कि आप कौन से रूट से आ रहे हैं। अगर आप पहलगांव से आ रहे हैं तो पहलगांव का अपना परमिट लें, अगर आप बालटाल से आ रहे हैं तो बालटाल का परमिट लें। ये ध्यान रखें कि अगर आप पहलगांव से जा रहे हैं या बालटाल का परमिट लेकर, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये जरूर विशेष ध्यान रखिएगा पंजीकरण के दौरान। इसके बाद आप सभी को जम्मू भगवती नगर से सीधा बालटाल और पहलगांव बेस कैंप के लिए रवाना किया जाता है। आप सभी श्रद्धालुओं को बता दें, पहलगांव और बालटाल बेस कैंप जो रुकने के चार्जेस हैं वो हालांकि निशुल्क नहीं है। यहां पर आपको खान पीन की व्यवस्था श्री अमरनाथ जी लंगर समिति द्वारा निशुल्क प्रदान की जाती है। रुकने की व्यवस्था यहां पर चार्जेबल है। बालटाल में पर हेड यानी एक जन का किराया जो है रुकने का रात का 150 से 200 रुपए है। वहीं पहलगांव में रुकने का चार्जेस जो है वो भी 250 से 275 रुपए तक के है, जो कि काफी आसान है। इसी के साथ आप पहला दिन अपना पहलगांव या फिर बालटाल बेस कैंप पर बिताएंगे और दूसरे दिन की सुबह होने के साथ ही आपको अनाउंसमेंट के जरिए से भी सूचित किया जाएगा। अगर मौसम खराब रहा तो आपको अमरनाथ यात्रा पर जाने से रोक दिया जाएगा, वहीं आपको बेस कैंप में सुरक्षित रुके रहने की सलाह दी जाएगी। इसी के साथ अगर मौसम साफ हुआ तो सुबह 6 बजे के करीब आपको पहलगांव बेस कैंप से चंदनवाड़ी की ओर रवाना किया जाता है। आप सभी को बता दें, पहलगांव से चंदनवाड़ी तक आपको एक टैक्सी की मदद से जाना होता है। यहां से लगभग 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी तक किराया आपको लगभग 150 रुपीज है। 2023 या फिर 22 की यात्रा की तुलना की बात करें हम तो 150 चार्जेस थे। इसके बाद आप चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुंच जाते हैं। चंदनवाड़ी से शेषनाग पहला पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का, जो सबसे अधिक दूरी तय करने के बाद आता है। ये पड़ाव लगभग आप सभी को 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव है जैसे कि गणेश टॉप, इसके आगे का आता है पोषपत्री, पोषपत्री से आता है पंचतरणी, पंचतरणी से आती है पवित्र गुफा।
पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है और शेषनाग से पवित्र गुफा की दूरी 20 किलोमीटर की है। इसके साथ ही आप पहलगाम रूट को लगभग 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टे आप अपना लेंगे शेषनाग, दूसरा स्टे आप लेंगे अपना पंचतरणी, तीसरा स्टे पवित्र गुफा से लेकर बालटाल में। पवित्र गुफा पर रुकने की व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, इसलिए पवित्र गुफा पर नहीं रुकने देते हैं, आपको सीधा बालटाल के लिए रवाना होना होगा। और बालटाल की बात करें हम, बालटाल मार्ग से अगर आप अपनी यात्रा सुबह 4 से 5 बजे के करीब शुरू करते हैं, अब बालटाल से यात्रा थोड़ी जल्द से ही छोड़ी जाती है। आपको बता दें कि बालटाल से यात्रा करने वाले यात्रियों को सेम डे रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि बालटाल मार्ग जो है वो लगभग 14 किलोमीटर का यात्रा मार्ग है, जिससे कि आप सेम डे भी रिटर्न ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर आगे चलकर पहलगांव रास्ते से पंचतरणी में रुक सकते हैं। पंचतरणी से आपको रिटर्न आना होगा, फिर से जो ब्राड़ी टॉप से एक रास्ता होकर जाता है बालटाल से रिटर्निंग दोमेल बालटाल के लिए, इस रास्ते से आपको थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, पर आप सभी को बता दें यहाँ पर आप अपना स्टे ले सकते हैं। इसी के साथ आप अपने कुछ इस तरह से अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। और इसी के साथ कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब हम पहुंच तो गए, अब रिटर्निंग की पॉलिसी क्या है, रिटर्न कैसे होंगे हम अमरनाथ से। आपको बता दें चले कि अमरनाथ गुफा से इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पहलगांव बेस कैंप है उसी तरह से बालटाल बेस कैंप है। बालटाल बेस कैंप से कॉन्वॉय के साथ गाड़ियां निकलती हैं जम्मू भगवती नगर के लिए, आपको जम्मू भगवती नगर में ही ड्रॉप करती हैं वो, वहां से फिर आप अपने घर की ओर जा सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जिम्मा एक श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का रहता है। अगर आप यात्रा पर आते हैं तो अगर बेस कैंप टू बेस कैंप आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी ही नहीं लेनी है। तो ध्यान यही रहना है कि बस जो गाइडलाइन है, आपने शाम को बालटाल में अपनी गाड़ी की टिकट को करवा लेना है, इसके बाद आप सुबह वहां से सीधा जम्मू की ओर प्रस्थान करेंगे कॉन्वॉय के साथ। लगभग इसमें आपको एक दिन का समय लगता है, 7 से 8 घंटे का समय लगता है जो बालटाल बेस कैंप है उससे जम्मू पहुंचने में, और जम्मू में आपको सफलतापूर्वक वो ड्रॉप कर देगी, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, चार्जेस की बात करें हम, पहलगांव का चार्जेस जो है 450 से 500 रुपए, मतलब 2 साल पहले के ये चार्जेस थे। जैसे कि जम्मू से बालटाल का आ गया 650-850 सुपर डिलक्स सेमी डिलक्स एसी बसेस, बहुत कैटेगरी की बसेस चलती है, कुछ इस तरह का चार्जेस रहता है। इसीलिए अमरनाथ यात्रा पर आने से पहले या आप सभी को बता दूं कि अपना मेडिकल जो पंजीकरण है वो अवश्य करवा लें। और आयु की बात करें हम, अगर 21 साल के लोग अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं, अमरनाथ यात्रा पर 65 से 75 वर्ष से कम आयु के लोग आ सकते हैं। अब आप सभी को बता दें कि जो मेडिकल वेरीफाइड हो जाएंगे तो वो लोग आ सकते हैं, 65 से 75 के बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। ऐसे तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जो दी गई है वो 75 साल के कम आयु के जो लोग हैं वही दर्शन कर पाते हैं। और बच्चों की बात करें हम, बच्चे किस आयु के आ सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर, तो 13 साल से अधिक आयु के आ सकते हैं, 13 साल की कम आयु के बच्चे नहीं आ सकते अमरनाथ यात्रा पर। इसी के साथ जो आप सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जानकारी बनती है कि जैसे कि देखिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों के लिए क्या रहेगा प्रोसेस, तो हेलीकॉप्टर से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दोनों मार्ग से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, जैसे कि बालटाल पहलगांव दोनों रूट से। पर यहां पर आप सभी को एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आपको यहां पर पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके लिए मेडिकल ही करवाना होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए अपना मेडिकल ही करवाएं, पंजीकरण की आपको आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के साथ आप अपनी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो आपको हेलीकॉप्टर जो है वो ड्रॉप करेगा पंचतरणी हेलीपैड पर। पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी मैंने आप सबको पहले भी कह दिया, जैसे कि 6 किलोमीटर की है, 6 किलोमीटर आपको पैदल घोड़ा पालकी या फिर पिट्ठू की मदद से जाना होगा। आपके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से लागू हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा मार्ग पर। साथ ही साथ आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए ये जानकारी बनती है कि देखिए अब कई सारे लोग कहते हैं कि कौन से ब्रांचेज में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। आप सभी को बता दें जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और SBI बैंक की शाखाओं में अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण होते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें, अमरनाथ यात्रा 2023 से पंजीकरण में बदलाव हुआ है। पंजीकरण में बदलाव ये हुआ है कि अब आपका बायोमेट्रिक ही पंजीकरण होता है अगर आप ऑफलाइन करवा रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था उसी तरह से है जिस तरह की पहले की थी। अगर आप अपना पंजीकरण ऑफलाइन करवा रहे हैं तो खुद से ही करवाएं। इस तरह के अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं कि वो आपको कह रहा है कि मैं आपका पंजीकरण करवा दूं, तो इस तरह का पंजीकरण नहीं होगा, वो आपका फ्रॉड पंजीकरण होगा और आपको बालटाल बेस कैंप और पहलगांव बेस कैंप या फिर भगवती नगर बेस कैंप पर आकर खज्जल होना पड़ेगा। और वहां पर उस वक्त तात्काल पंजीकरण की सुविधाएं भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मिलना। तो इसीलिए आप सभी को पहले से ही मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा पर अगर आ रहे हैं तो अपने पंजीकरण में कोई भी कमी मत रखिएगा, अपना पंजीकरण बहुत ही आराम से करवाएं और बहुत ही सिक्योर करवाएं, क्योंकि पंजीकरण ही आप सभी की अमरनाथ यात्रा को
सफल करवाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी।